हेलो एवरीवन, अगर आपको बिल्कुल भी मलाई से मक्खन निकालने नहीं आता है तो ये वीडियो देखकर आप बिल्कुल फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जितना आसान है ना उतना कोई भी जो है मलाई से मक्खन निकालने वाले आसान नहीं होता है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है, बस थोड़े से मलाई लेनी है मिक्सर में और उसमें हल्की सी ठंडी पानी ऐड करना है। उसके बाद आपको मिक्सर चला देना है, ठीक है। आपको दो जग में दिख रहे होंगे मलाई, लेकिन मैंने बड़े वाले में ट्राई किया था, चूँकि उसमें जो है वो ब्लेड चला ही नहीं, ख़राब हो चुका है मेरा जार वो वाला, इसलिए मैंने छोटे वाले में ट्रांसफ़र कर दिया। इसलिए आपको जो है मलाई पतली दिख रही होगी, ठीक है। ध्यान रहे कि पानी जो है बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए बॉटल में, मतलब आधा बर्फ जमा हो जाना चाहिए। थोड़ी सी उसमें ऐड करना है और उतना ऐड करना जितनी बड़ी आपकी जार हो उससे कम ही ऐड करना, नहीं तो सारा जो मलाई है वो बाहर आ जाएगा। तो मैं मिक्सर जो है मैंने चला दिया है, बस एक दो मिनट के लिए आपको चलाना है और आराम से आप देख सकते हो मैं जैसे ही ढक्कन खोलूँगी उसमें से आपको मक्खन दिखेंगे अलग। तो ये देखिए मैं ढक्कन ओपन कर रही हूँ और देखिए बिल्कुल अलग सी निकल गई है मक्खन। एक खेप मैंने निकाल लिया था, ये दूसरे स्टेप है। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से हम निकालेंगे और बॉल से ही बड़े साइज़ की जो है मक्खन निकल जाएगी। तो आप क्लियर देख सकते हो कि किस तरीके से आराम से मैंने मक्खन निकाला है। आपको ना बिल्कुल भी नहीं आता हो, आप फर्स्ट टाइम या बिगनर हो, आप निकालना चाहते हो मलाई से घी, तो यही वाला वीडियो देख कर आप फॉलो करना, ठीक है। बाद में जो इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है कि छोटे से ग्लास के ज़रिए आप घी से मलाई से मक्खन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। बट लिटरली जो बिगनर है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो ये हमारा जो है मक्खन निकल के तैयार है। अब इसको मैंने हाई फ्लेम कर दिया, फिर मीडियम बीच में कर दिया, फिर मैंने लो कर दिया और इतना हमारा घी निकल गया। जितना मक्खन होगा उस हिसाब से आपकी घी निकलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।